अंधेरे दिलों में ज्ञान का दीपक जगाने के लिए ये बच्चे चले जाते थे। मदालसा का सातवां पुत्र हुआ तो इसके पति ने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि अब अपने इस पुत्र को तो कम से कम घर ही में रखो, अब मैं बूढ़ा हो चला, मेरे से राजपाट नहीं संभलता है, राज्य काज को संभालने के लिए अब इस पुत्र को ये सब संभालने के लिए भी साथ में ट्रेनिंग दो। उसने कहा बात तुमने सही कही है, अब इसको हम इसी तरह रखेंगे। ज्ञान वही दिया पर साथ में यह कहा कि अब तुमको राज ऋषि होना है, राजा भी होना है ऋषि भी होना। प्रचार में नहीं भेजा और यह कहा कि मेरे छह पुत्र अगर पूरे समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो यह मेरा सातवां पुत्र राजा होकर के पूरे समाज को यह बात स्पष्ट कर देगा कि राज्य घर परिवार छोड़ने से ज्ञान नहीं मिलता, राज्य और भोग भोगते हुए पर भी आप ऋषि तत्व और ऋषि पद को प्राप्त हो सकते हैं। मेरा यह पुत्र इस बात का संकेत होगा कि सत्य की प्राप्ति के लिए त्याग आवश्यक नहीं है, बाहरी त्याग की जरूरत नहीं है। और सच तो यह है बाहर का त्याग करना बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, तुम्हें अभी शायद मुश्किल लगता हो पर जिन्होंने त्याग किया है कभी उनसे पूछ करके देख लेना, बेचारों का त्याग होके भी त्याग नहीं होता है। संसार में रह करके संसार के भोगों को भोगते हुए पर जो निर्लिप्त है जो निर्विकार है वही ब्रह्मज्ञानी। पर ब्रह्मज्ञानी की एक दूसरी कैटेगरी भी हो सकती है जो ये कहता है कि मुझको अपने आप को ये सब भोग पदार्थ से दूर रखना है, परे रखना है। परे रखने का भाव ये नहीं कि भोग से भय है उसको, परे रखने का भाव सिर्फ इतना है कि उनकी रुचि नहीं है उसमें, द्वेष नहीं है। याद रखना द्वेष नहीं है, जिसको संसार से द्वेष है वो संत नहीं हो सकता। जिसको संसार से घृणा है जिसको संसार से नफरत है वो संत नहीं हो सकता, वो साधक नहीं हो सकता है। कारण अगर परमात्मा प्रिय है तो उसका जगत भी तो प्रिय है। अगर परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम तो उसका जगत कुरूप कैसे हो सकता है। संसार कुरूप कैसे हो सकता है, द वर्ल्ड कैन नॉट बी कॉल्ड अगली, कैन नॉट बी कॉल्ड अगली। दोज हू से सो दे डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग। तुम कहते हो कृष्ण को अजन्मा क्यों कहा, मैं कहती हूं तुम भी अजन्मा हो, बस फर्क यह है कि तुम ये जानते नहीं हो। तुम ये समझते नहीं हो, तुम्हें इस चीज का बोध नहीं है, तुम्हें इस चीज का अनुभव नहीं है और तुम्हें सिर्फ इतना अनुभव है कि ये शरीर तुम हो, ये इंद्रियां इसको खुश रखते हो तो अच्छा देखना चाहते हो, अच्छा सुनना चाहते हो, अच्छा खाना चाहते हो, अच्छा पहनना चाहते हो, अच्छा भोग भोगना चाहते हो, सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष को भोगना चाहते हो। तुम्हारे लिए क्योंकि शरीर ही सब कुछ है इसलिए इस शरीर को संतुष्ट और प्रसन्न रखना ही तुम्हारा अल्टीमेट गोल हो गया है। देखो ना जैसे तुम्हें होश आई, दुनिया की समझ लगी आने, तैसे ही तुमको सिखाया जाता है पढ़ाई करो नौकरी करो पैसे कमाओ इज्जत मिलेगी और तुम्हारी शान होगी। बच्चे को यह सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग यह होती है और वो बेचारा पढ़ाई कर रहा है और अच्छे पैसे कमा सके इसके लिए उसका बराबर प्रयास चलता रहता है, उसकी कोशिशें चलती रहती हैं। लेकिन न मां न बाप न स्कूल न कॉलेज कोई भी ये बात नहीं कहते हैं कि पैसा सिर्फ गुजरान है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
You cannot get ultimate joy from money. You cannot get ultimate happiness from things. No one teaches this. No one teaches this. तुम कहते नहीं थकते हो कि हमारा देश धार्मिक है, पर मुझे बतलाओ किस स्कूल में, किस कॉलेज में, किस इंस्टीट्यूट में यह बात बच्चों को सिखाई जाती है कि संसार मिथ्या है और परमात्मा ही सत्य है? बताइए, स्कूलों में ऐसे लिखवाए जाते बच्चों से, बड़े होकर क्या बनोगे? मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा. एक समय आया था सब इंजीनियर डॉक्टर होना चाहते थे इन 60s एंड 70s. फिर एक समय आया सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर होना चाह रहे हैं. आजकल जिससे पूछो क्या कर रहे हो, कंप्यूटर्स. कोई कोई आजकल एरोनॉटिकल, हम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, हम नासा से काम करना चाहते हैं, टारगेट हो गया है. नथिंग रॉन्ग इन दैट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. देर इज नथिंग रॉन्ग इन बिकमिंग अ डॉक्टर इंजीनियर, अ कंप्यूटर इंजीनियर, अ डांसर, एन आर्टिस्ट. देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. इट इज इट द गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ.